उसमें माने हमारे सुब्रत मिश्र ने हंगामा कर दिया। मैंने हाथ जोड़ा, भैया आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जिला बनेगा तो भिंडमाल भी बन जाएगा। तो एक ने कहा कि भिंडमाल जिला बनना चाहिए, बोला भिंडमाल जिला बनेगा, बाकी भले राजनीति बने, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नंबर वन हम आपका समर्थन करेंगे, पूरा पहले ही किया तो। मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि भिंडमाल को जिला बनाया जाए। यदि भिंडमाल जिला नहीं बना तो कम से कम को सासौर में मत भेजे मेहरबानी करके, क्योंकि वो बीस में सारे इसमें करके लोग हैं। और यदि भिंडमाल मोटरसाइकिल लेके गए ना तो आपको मोटरसाइकिल वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक सीएम अशोक गहलोत का और दूसरा भिंडमाल विधायक पूराराम चौधरी का। आखिर पूराराम चौधरी भिंडमाल विधायक क्यों सदन में कफन बांध के बैठे हैं? जब स्पीच दे रहे थे 17 मार्च से पहले, तब उन्होंने काले चश्मे लगा रखे थे। आखिर वो काले चश्मे उतर कर काले कफन में क्यों तब्दील हो गई पूराराम चौधरी की? एक स्क्रीनशॉट पूराराम चौधरी का वायरल हो रहा है, खौफनाक, जो बैठे हैं विकराल रूप लिए हुए, यानी कि एक चेहरे में खौफ है, उनकी आंखों में जलवा है, ताकत है, रोष है, प्रकट है, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक क्रोध भरा हुआ है। कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि फिल्मी के डायलॉग में शोले फिल्म का डायलॉग भी आ जाता है किस तरह से वो बैठे हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि पूराराम चौधरी 17 मार्च से पहले कौन से भाषण दे रहे थे और सब 21 मार्च का उनका भाषण किस तरह से बदल गया है वो सोशल मीडिया पर अब कह रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं उससे बताने से पहले ये कह रहा हूँ कि 17 मार्च से पहले जिस तरह से सांसुर का मजाक बनाया था पूराराम चौधरी ने कि जिला बनेगा तो भिंडमाल बनेगा और जिसको राजधानी सांसुर बनाना है वो बनाए भले, मैं तो कहता हूँ जोधपुर से अलग डिवाइड कर दो, एक हमारा दूसरा स्टेट बन जाएगा, जोधपुर वाला अलग स्टेट बन जाएगा, राजस्थान के दो स्टेट बन जाएगा। यानी कि राजस्थान को तोड़ने की बात करी पूराराम चौधरी ने कि राजस्थान के दो टुकड़े कर दो। लेकिन अब बात यह है कि भिंडमाल जिला ही क्यों बनना चाहिए, ऐसे क्यों लगातार पूराराम चौधरी एक ही मन में ख्वाहिश लेकर बैठे हैं कि जिला तो बनेगा तो भिंडमाल ही बनेगा। सुखराम जी भले बना दे सांसुर, लेकिन उल्टा हो गया, जिला है जो भिंडमाल नहीं बना, जिला है वो सांसुर बन गया। लेकिन अब पूराराम चौधरी का जो चेहरा है काले चश्मे थे, अब वो उतर कर काले कफन में तब्दील हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों मैं बात करता हूँ, पूराराम चौधरी लगातार सदन में अपने जिले की मांग करते रहे। उसके बाद जो 21 मार्च को सदन में भाषण दिया था, तब उन्होंने काले दुपट्टे के साथ रोष प्रकट करते हुए कहा कि आपने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारा जिला भिंडमाली बनना चाहिए, अगर कोई जनहानि हुई तो इसका जिम्मेदार प्रशासन और शासन प्रशासन होगा, हमारी कोई नहीं। यानी कि एक धमकी भरी दी है कि अगर हमारे जनहानि, यानी कि जनहानि का मतलब आप समझ गए होंगे किसकी हानि होनी चाहिए, जनहानि नहीं लोगों की हानि, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस सरकार होगी, राजस्थान सरकार होगी, प्रशासन होगा। तो उन्होंने ये सवाल पैदा किया सदन में। तो अब सदन में भरी सदन में सभापति खुद उनको नीचा बिठाने का बोल रहे हैं कि आपको बोलने का किसने कहा, किसने खड़ा किया है, आप बैठिए। लेकिन उसके बाद एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहां पर पूराराम चौधरी सीएम अशोक गहलोत के सामने खुद बोल रहे हैं कि साहब आप हमारी मेहरबानी करके हमारे जिले को, हमारे भिंडमाल को जिला बना दीजिए, हम आपकी बातें जो भी हैं मानेंगे। लेकिन अशोक गहलोत उनकी बात को मजाक लेते हुए कहें कि आप तो बात हमसे पहले से ही मानते हैं, इसमें ठाके लगाए, यानी कि पूराराम चौधरी का एक बार फिर से मजाक बना, जिस तरह से उन्होंने सांसुर का मजाक बनाया, ऑडियो वायरल किया, कॉल वीडियो वायरल किया इस तरह से कि सांसुर तो जिला बनाए, सुखराम जी कुछ भी करे, तो अब जैसे का तैसा हो गया। अगर आपने किसी का मजाक बनाया तो आपका भी मजाक बनेगा और आपकी भी वीडियो वायरल होगी। हमें दोनों को तरफ एक साइज कांग्रेस हो, पार्टी हो, चाहे बीजेपी कोई भी हो, लेकिन किसी का मजाक बनाना उचित नहीं है। जिला लेके बनाते हो ना, पहले तो जिला बनाओ। नंबर वन हम आपका समर्थन करेंगे, पूरा भिंडमाल पहले ही किया तो। आपने सारे काम किए, कम से कम हमारा जो भिंडमाल विद्यालय सासों में मेहरबान करके मत करना भाई, ये मेहरबान कर देना, ये आपका एहसान रहेगा हमारी। सर हमारी भिंडमाल भिंडमाल से आए, उन्नीस पड़े हैं, बीस का बना कर बीस हंगामा हो गया और हो गया। अरे हमारे भिंडमाल में तो होता रहता, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें माने हमारे
सुखराज मिश्र ने हंगामा कर दिया, मैंने हाथ जोड़ा, भैया आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जिला बनेगा तो भिंडमाल भी बन जाएगा। तो एक ने कहा कि भिंडमाल जिला बनना चाहिए, बोला भिंडमाल जिला बनेगा, बाकी भले राजधानी बने, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसा हम तो करते प्रस्ताव करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जोधपुर संभाग के मरु प्रदेश अलग से ही बना देते ताकि दो राज्य हो जाएंगे, माधवकुटी बंद हो जाए जिले वाली। जिस दिन 17 तारीख को जिलों की घोषणा हुई, हमारा भिंडमाल को वंचित रखा गया कि भिंडमाल परंपरा से आज भी भिंडमाल माँ कभी माँ की नगरी से ब्रह्म गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। भिंडमाल की जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है, भिंडमाल के अंदर जैन समाज का पूरा विश्व का बहुत बड़ा मंदिर है, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया और बेवजह। हमारी मांग है, पूरी जनता जनता जनार्दन रोड पे खड़ी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि भिंडमाल को जिला बनाया जाए। यदि भिंडमाल जिला नहीं बना तो कम से कम को सासौर में मत भेजे मेहरबानी करके, क्योंकि वो 20 में सारे इसमें करके लोग हैं। और यदि भिंडमाल मोटरसाइकिल लेके गए ना तो आपको मोटरसाइकिल वापस नहीं मिलेगी, आपको RC लेके आना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि कोई जन हानि हुई या सरकारी अंकित नहीं होना बिराजी, आप इसलिए बोल लेंगे आपको बिराजी 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 माननीय माननीय राजेंद्र जी, माननीय उपनेता महोदय। अब कहने का मतलब यह है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने सांसुर का मजाक बनाया तो उल्टा सांसुर जिला बना, आपका भिंडमाल तहसील ही रहा। तो दोस्तों शुक्रिया, देखते रहिए News 22 Live। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए News 22 Live। मैं हूं प्रवीण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और News 22 Live को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, देखते रहे News 22 Live सदैव आपके साथ।